हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी सुपर टेट के लिए एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें विज्ञान की श्रृंखला भी मैं कराता हूं और एक पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड जो आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न होते हैं वो भी मैं कराता हूं। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर शायद 8 है ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन पर। पहला प्रश्न है, आज आपको सभी जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित भी लेके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए भाई, आपके सामने स्क्रीन पर है सारा क्वेश्चन, लगा लीजिए और आंसर दीजिए। तो दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, होम रूल आंदोलन जो था वो बाल गंगाधर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि वर्ष 1916 में इसे क्या गया था भाई, वर्ष 1916 में पूना से होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, तो आप इजली आंसर दे दोगे ना, 1916 में पूना से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों ये, क्यों भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? बताइए भाई किस वर्ष हुआ, आपको बताना है। सन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो दोस्तों भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन 1853 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है घुमा के कि भारत में पहली जो रेल थी वो 1853 में कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बस ये तो आपको वर्ष तो पता चल गया, कहाँ से हुई थी? तो भाई मुंबई से कहाँ हुई थी दोस्तों, मुंबई, इसका पुराना नाम था बम्बई, से ठाणे के बीच, किसके ठाणे के बीच चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई रेल चलाने का, जो इसका उद्देश्य था दोस्तों वो भारत के जो कच्चा माल था को देश के अंदर के हिस्सों में बंदरगाह तक ले जाने में सेना को सुविधा हो। ठीक है, तो इसका ही ये मेन मकसद था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो रेल का जो हुआ था ना विस्तार सर्वाधिक किसने किया था भाई, वायसराय करजन ने किया था। कभी ये क्वेश्चन आए कि रेल का विस्तार किसने किया भारत में, तो किसने किया मित्रों, वो किया वायसराय करजन ने। किसने? वायसराय करजन ने। तो आपको याद रखना है वायसराय करजन, करजन। ठीक है, ठीक है मित्रों, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में भी बनने वाले हैं। ठीक है, क्या है, बनने वाले हैं। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं कौन है भाई, बताइए। तो बताइए भाई, सोच लीजिए। तो दोस्तों जो पहले भारतीय थे वे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है भाई, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में सिविल सेवा का जो जनक था वो किसे माना जाता था? दोस्तों वो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या दोस्त? कॉर्नवालिस। तो ये पॉइंट भी आपको मित्रों याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेना के सेवा के जनक के रूप में माना जाता है। और रेल का सर्वाधिक विस्तार क्या हुआ? वायसराय करजन के। ठीक है, और सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? जो ज्योतिबा फूले थे, आपके जो समाज सुधारक हैं वहाँ से ही प्रश्न लाया हूँ मैं। तो ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था भाई? चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। क्या था? रोकना, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, जो ज्योतिबा फूले थे के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना मुख्य उद्देश्य
था, इन्होंने इसी चीज पर यह करा था भाई, बहुत ज्यादा कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? बताइए भाई, सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन किस में हुआ, आपको बताना है क्वेश्चन भाई। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ए, सतारा। तो सतारा रियासत ऐसी थी जहां सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हड़प की नीति का प्रतिपादक कौन था या आविष्कारक कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हड़प की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, इस नीति में होता क्या था भाई? वे सभी राष्ट्र जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। कोई बहुत सारे राष्ट्र थे वहाँ पर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, तो लॉर्ड डलहौजी क्या करते थे भाई, वहाँ जाते थे अपनी सेना के साथ, ब्रिटिश सेना के साथ, और उस राज्य को अपने अधीन कर लेते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तार इसका किस में हुआ था, ब्रिटिश शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कौन था भाई, सर्वप्रथम सतारा था। सतारा के बाद अगर आपसे पूछेंगे दूसरे नंबर पर कौन सा था, तो जैतपुर। ठीक है, तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको मित्रों याद रखनी है, पर आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? बताइए भाई, किसके शासनकाल में विद्यालयों की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या होता दोस्तों, लंदन विश्वविद्यालय था सर्वप्रथम। आप सुनोगे कि लंदन विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो दोस्तों लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर ही लॉर्ड कैनिंग ने भारत में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की। कितने की भाई भारत में? तीन। कौन कौन से थे भाई? एक तो कलकत्ता था, दूसरा कौन सा था मित्रों? बम्बई था, और तीसरा क्या था? मद्रास था। ठीक है, ये तीन थे, कलकत्ता, बम्बई में मद्रास, इन तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। भाई सूची देख लीजिए, आंसर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको ही बताना है खुद। ठीक है, इसमें सूची एक है, उनका मिलान करना है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं, सी एफ एंड्रूसू को किस नाम से जानते हैं, दादाभाई नेहरू जो लाला लाजपत राय, अगर आपको पता है तो आप इजिली कर लोगे भाई। तो दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण है इन्हें हम उपाधि देते हैं भाई, बताइए किसकी उपाधि देते हैं? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो इन्हें लोकनायक की उपाधि दी जाती है। सी एफ एंड्रूसू को किसे देते हैं हम? दीन बंधु की उपाधि देते हैं भाई। दादाभाई नेहरू जी क्या है बताइए भाई? दादाभाई नेहरू जी भारत के पुरोब्रत नेता के नाम से जाना जाते हैं, लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 3, 1, 2, 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना। तो दोस्तों एक बार और मिला देता हूँ, जयप्रकाश नारायण जी जो हैं ये लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं, सी एफ एंड्रूसू दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं, और हम दादाभाई नेहरू जी को क्या कहते हैं? भारत के वीरोवरद नेता के रूप में जानते हैं, और लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था भाई, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था वो आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे कौन थे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए हुआ क्या था, स्वतंत्र भारत के ध्वज के डिजाइन के रूप में पिंगली वेंकैया को जाना जाता था। सर्वप्रथम हुआ क्या था कि कांग्रेस का एक झंडा था उस पर सबसे सर्वप्रथम विचार किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, जब महात्मा गांधी जी ने विचार किया था, लेकिन उसके बाद पिंगली वेंकैया ने आधुनिक झंडे को डिजाइन किया, लेकिन उसमें क्या था भाई, अब क्या है, अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है, लेकिन पहले वाले में क्या था? चरखा था। जो पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन किया था तब क्या था उस झंडे में? चरखा था। क्या था दोस्तों? चरखा था, इस बात का भी आपको याद रखना है। लेकिन आधुनिक वाले में क्या है दोस्तों? अशोक चक्र है। ठीक है, ये उस क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो रहा है। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने, बताइए क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। 1918 में अहमदाबाद हड़ताल हुई थी, इसमें महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको और भी याद रखना है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक करवाया गया था, रोल एक्ट सत्याग्रह 1919 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे। दोस्त देखो 17वीं शताब्दी का जिक्र हो तो आपको 1600 लेके 1700 के बीच मानना है हमेशा, ठीक है। ये वाली एक साल पहले, मतलब 1000 का गैप होता है, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में दोस्तों 1600 से 1700 के बीच पे पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग कौन थे? तो दोस्तों उस टाइम केवल पुर्तगाली बचे थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया, बताइए भाई, करो या नारा का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों हुआ क्या था कि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। कब की थी भाई? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की इस घोषणा की थी। उस उद्घोषणा के रूप में करो या मरो का नारा दिया गया था। इसी आंदोलन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या दिया था भाई? इन्होंने हराम हराम है, आराम जो है वह हराम है, ये नारा किसने दिया था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लेकिन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने करो या मरो कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी, तब महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यहाँ पर नीचे एक आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई देता है इस तरह का, उस पर लिखा होता है दोस्तों सब्सक्राइब। क्या? सब्सक्राइब। तो अपने दोस्तों को भी और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।